नमस्कार दोस्तों, ट्रेड अल्फा से मैं ब्रजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। कार्वी एक ऐसा नाम जो घोटालों के इर्द गिर्द घूम ही रहा है और इसके घोटाले आना बंद ही नहीं हो रहे हैं। हाल ही में आज का जो हमारा जो अपडेट है, इसमें ICICI बैंक ने भी इसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें 563 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। सी पार्थ सारथी और उनके जो ग्रुप मेंबर हैं उनके खिलाफ ICICI बैंक ने ये मामला दर्ज करवाया है और IPC की धारा 406, 420, 420 और 34 के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि कार्वी ने अपने 6 बैंकरों के शेयर गिरवी रखकर जो राशि कलेक्ट किया था, जो फंड कलेक्ट किया था, उसे फर्म के खाते में, मतलब अपने खुद के ही बैंक अकाउंट में डाल लिया, जो कि उन्हें स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में डालना था। सो ये सेबी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। ये मामला साइबराबाद की आर्थिक अपराध शाखा को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि 19 अगस्त को हाल ही में पार्थ सारथी को इंडस बैंक से लिए गए 137 करोड़ रुपए के जो लोन है उसका भुगतान ना करने के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। HDFC बैंक ने भी इनके ऊपर मामला दर्ज करवाया है। सो इन्होंने 2 बैंकों से कुल 587 करोड़ रुपए का जो है घोटाला किया। HDFC बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कार्वी ने कुल मिलाकर 350 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की, और जबकि इंडसइंड बैंक से इन्होंने 237 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। वहीं कुछ अधिकारियों ने यह भी बताया कि बैंकों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पार्थ सारथी के कार्वी जो ग्रुप हैं उन्होंने गैरकानूनी तरीके से अपने जो ग्राहक हैं, अपने जो डीमैट होल्डर हैं, उनके शेयर्स को गिरवी रखा और कर्ज लिया, लेकिन जो कर्ज उन्होंने कर्ज की राशि जो ली थी उन्होंने वो दूसरी कंपनियों को दे दिया। सो ये था आज का कार्वी से रिलेटेड अपडेट। इसी तरह कोई भी कार्वी का अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। और इसके अलावा एक और चीज़, जिन लोग मेरे पास पिछले वीडियो में जब मैंने कार्वी का जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि पूल अकाउंट के जो शेयर्स हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। सो वीडियो को मिस ना करें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।